भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में उनका शव मिला था। जिस धरती पर उन्होंने आखिरी सांस ली उसी जगह पर उनके स्मृति में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जो उनके विचार, भावना और दर्शन को आज भी देश के युवाओं तक पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और मुगल सराय के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे ही उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा को स्थापित कराया है, जिसकी ऊंचाई 63 फीट है। ये दीनदयाल जी की जो मृत्यु हुई संदेहास्पद स्थिति में, वो मुगल सराय के रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला और मोदी जी ने उसी स्थान के पास इस स्मृति स्थल को बनाया है। दीनदयाल जी का गहरा लगाव रहा। काशी संस्कृति की नगरी है और भारत की सनातन संस्कृति के विचार को दीनदयाल जी ने आगे ले जाने का काम किया। उनका जो दर्शन था, वो कहते थे कि पेट को आहार चाहिए, हृदय को प्यार चाहिए, मस्तिष्क को विचार चाहिए और आत्मा को संस्कार चाहिए। काशी यही सब करती है। तो काशी की भूमि से उनका लगाव था। मुगल सराय में उनकी मृत्यु हुई, ये एक अवसर है कि जब उन विचारों को और आगे ले जाने के लिए हम लोग काम करेंगे। निश्चित रूप से ये जो बनारस है, जो मुगल सराय है, उससे उनका गहरा लगाव था। एक पुण्य स्थल यहाँ पर डेवलप हुआ है, इसीलिए इस बार राष्ट्रीय स्तर पर हमने इस कार्यक्रम के लिए इस जगह को चुना है।